हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा लीला से कहेगी कि आप प्लीज डिंपल को भी समझने की कोशिश करें, वो एक अच्छी लड़की है। वो कहेगी कि आप डिंपल को पसंद नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समर के साथ उसका रिश्ता नहीं होने देंगे। अनुपमा कहती है कि आज के बच्चे अपने लिए खुद लड़ सकते हैं। वनराज कहता है कि अनुपमा ठीक कह रही है। अनुपमा समर और डिंपल से कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो शादी करो, लेकिन तुम लड़ो मत। तो ये वो कहती है कि शास, अब हमारा घर छोड़कर आप चले जाइए क्योंकि ये मेरे बच्चों के डांस क्लास का टाइम है, वो आते ही होंगे। समर कहता है अनुपमा से कि हम यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। तभी वो कहता है कि माफ़ कर दीजिए माँ। समर कहता है कि मैं बहुत गुस्सा था इसीलिए क्योंकि आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। तभी वो कहता है कि लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही हो, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। डिम्पल कहती है कि हाँ, इवन हम आपको डांस अकेडमी से बाहर निकालना भी नहीं चाहते थे। अनुपमा कहती है समर डिम्पल से कि वो मेरा डिसीजन था, किसी ने मुझे घर से वहाँ से बाहर नहीं निकाला है। लीला अनुपमा से कहती है कि क्या तुम हमेशा इसके डिसीजन के अगेंस्ट रहोगे? अनुपमा कहती है कि नहीं, ये इंटेंशनली नहीं होता है माँ। तभी शास चले जाते हैं। बरखा ताली बजाती है अंकुश को देखकर। अंकुश यहाँ वापस से ताली बजाता है। बरखा कहती है अंकुश से कि क्या हुआ, सब पागल हो गए क्या? तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने अनुज को इन्वाइट किया है और अनुपमा को भी। और अंकुश ये कहकर कहता है कि ये जो पूरा एम्पायर है तुम लेने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर अनुज यहाँ होगा तो। अनुपमा तभी यहाँ ज्वाइन करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बरखा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अंकुश कहता है बरखा से कि आज अनुपमा और अनुज दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाकी यहाँ बहुत ही स्माइल करती है और बरखा को इरिटेट करती है। काव्या यहाँ वनराज से कहती है कि क्या तुम अनुपमा के बारे में सोच रहे हो? वनराज कहता है कि हाँ, समर और डिम्पल अब बड़े हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। काव्या कहती है फाइनली अनुपमा में तुमने रियलाइज तो करवाया। वो आगे कहती है कि वैसे एक बात तो है, कुछ और भी चीज है जो तुम्हें बॉदर कर रही है। काव्या कहती है वनराज से कि अगर वो अनुज की वापसी है तो वनराज ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इवन अनुज लौटा है लेकिन अनुपमा और अनुज एक साथ कभी नहीं आएंगे। काव्या का बहुत ज्यादा स्टंड हो जाती है वनराज के इस बात के कहने से और वो प्रे करती है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ आ जाएं पहले से भी ज्यादा अच्छे से। इधर माया कहती है अनुज से कि क्या तुम रेडी हो अनुपमा को फेस करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। अनुज कहता है माया से कि तुम डिस्क्लोज मत करना अनु को कि मैं विजिट कर रहा हूँ अहमदाबाद और मैं यहाँ पर अकेले संभाल लूंगा। तभी वो कहता है कि मैं अनुपमा को कैसे फेस करूंगा, अपने अंदर ही अंदर बात करता है। माया और बरखा यहाँ इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का प्लान बनाते हैं। बरखा कहती है माया से कि अनुज लौटा तो जरूर है लेकिन मैं ये श्योर करूंगी कि अनुपमा और अनुज का भी एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो खत्म ना हो पाए। बरखा तभी यहाँ मीटिंग का टाइम चेंज कर देती है अनुपमा के लिए। अंकुश चेंज करता है अनुज के लिए। अनुज अंकुश दोनों अनुपमा के बारे में बात करते हैं। अंकुश कहता है अनुज से कि अनुपमा भी यहाँ होगी। कांता यहाँ पर सारी बातें शेयर करती है अनुपमा के साथ। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है अनुज के साथ मिलने को लेकर के। वो डिसाइड करती है कि मैं अनुज की जो प्रॉपर्टी है वो वापस जरूर कर दूंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।